Samuel, 3rd chapter, 10th verse. हालेलुया, यहोवा ने परमेश्वर यहोवा ने इसको सैमुएल को दो बार पुकारा, तीन बार पुकारा, और सैमुएल बार बार सोचता था कि एली याजक बुला रहा है। हालेलुया, फिर जब चौथी बार आया तो एली समझ गया कि यहोवा सैमुएल से डायरेक्ट बात करना चाहता। आज का मैसेज है परमेश्वर से बातें करता। हालेलुया, हालेलुया। तो एली ने कहा कि इस बार तुझे अगर आवाज सुनाई पड़े तो बोला, हे हाँ यहोवा बोल, मैं सुनता हूँ। हालेलुया। तो एली समझ गया कि यहोवा सैमुएल से बात करना चाहता है। फिर जब चौथी बार आवाज आई तो सैमुएल ने कहा, हाँ यहोवा मैं सुनता हूँ बोल। हालेलुया। मतलब ये है कि हमारे जो बाइबल का परमेश्वर है, गूंगा परमेश्वर नहीं है, वो बोलता है, वो बातें करता है, आज भी बातें करता है और करता रहेगा। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे वर्णन है जिनसे परमेश्वर हमसे बातें करी है। परमेश्वर आदम से बातें करता था ईडन गार्डन में, डेली बातें करता था। परमेश्वर नोहा से बात करी एक बोट बनाने के लिए। परमेश्वर ने मूसा से एक बर्निंग बुश में बात करी, जलती हुई झाड़ी से बात करी। परमेश्वर ने एलिजा से बात करी एक धीमी सी आवाज से। परमेश्वर ने यशायाह से बात करी, यशायाह 6 में, जब उसने स्वर्गीय दर्शन देखे। हालेलुया। परमेश्वर ने होशे से बात करी, जिसका वर्णन होशे 6:1 में है। परमेश्वर ने आमोस से बात करी फलों की टोकरी के द्वारा। परमेश्वर हर तरीके से बात करता था। हम देखेंगे परमेश्वर, एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर जो है, एक तरह से जो पुराने नियम में परमेश्वर जो बोलता आया है, अगर हम यीशु मसीह को एक प्रिज्म बना दें ऐसा करके, हालेलुया, तो वो जितनी भी प्रोफेसी जो भी बोलता आया वो निकल के एक बीम के रूप में बाहर आती है, एक किरण के रूप में बाहर आती है प्रिज्म से, एक शीशे नुमा चीज से, और जो बीम हो क्या हो गई, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जो भी बोला गया, जो भी बताया गया, वो सब यीशु के ही बताता है। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर कैसे कैसे बातें करता है, कितने तरीके से आपसे बातें करता है। हम लोग देखेंगे कि इब्रानी हिब्रूस 1:2 में लिखी। हालेलुया। मतलब ये कि यीशु मसीह के फर्स्ट एडवेंट ऑफ द क्राइस्ट, पहला आगमन यीशु का, और जो दूसरा आगमन जो आने वाला है सेकंड एडवेंट ऑफ क्राइस्ट, उसके बीच के समय को क्या बोलते हैं, लास्ट डेज। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे पहले अपने पिता के द्वारा, पिताओं के द्वारा, पिता मतलब ज्यूस यहूदियों के द्वारा बातें करी। फिर अंत में उसने पुत्र के द्वारा बात करी, मतलब यीशु से, यीशु के, मतलब जो भी यीशु के बारे में भविष्यवाणी करी गई थी कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा गया। फर्स्ट जॉन 1:1 हालेलुया। यानी कि जो भी बोला गया था यीशु के बारे में बोला गया था, और यीशु एक शरीर के रूप में आया, वचन देहधारी हुआ, और हमसे फिर यीशु डायरेक्ट बातें करी। पिता ने पहले भविष्यताओं के द्वारा बातें करी, फिर पिता ने हमसे किसके द्वारा बातें करी, यीशु के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को बोलते हैं एक्सप्रेसिबल इमेज ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर आदर्श परमेश्वर का वो प्रतिरूप है। कौन है? यीशु मसीह। पिता को किसी ने नहीं देखा, लेकिन पिता ने अपने आप को किसके द्वारा दिखाया, पुत्र के द्वारा। और फिर पिता ने पहले भविष्यताओं के द्वारा बातें करी, अंत पिता ने यीशु मसीह के द्वारा बातें करी। हालेलुया, हालेलुया। हम सूरज की तरफ नहीं देख सकते, लेकिन उसकी किरणों को हम देख सकते हैं। सूरज जो है, सन इज जस्ट लाइक गॉड एंड द रेज इज जस्ट लाइक क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और सेकंड कुरंतियन 1:20 कि जो भी प्रतिज्ञाएं, जो भी प्रतिज्ञाएं करी गई वो यीशु मसीह में हां और आमीन हुई। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो हमारे बीच में आया और हमसे बातें करता है, आज भी बातें करता है, और आगे लिखा है यूहन्ना के 10:27, John 10:27 व्हाट इज इट सेज, कि फ्लॉक लिसन माय वॉइस, भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। जो यीशु मसीह के लोग हैं वो यीशु की बात सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारा कौन है? चरवाहा है, और हम हर चरवाहे की बात को सुनते हैं। यीशु मसीह हमसे बातें करता है। परमेश्वर भी किसके द्वारा बातें कर रहा है? बेटे के द्वारा। हालेलुया। लॉर्ड कम्युनिकेट्स टू द His son. कैसे? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगह से अपना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा हो,
ये जॉन 3:16 हर वर्ड हर भाषा में अनुवाद किया गया है, सब भाषाओं में अनुवाद है इसका। वर्ड की कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें जॉन 3:16 का ट्रांसलेशन ना किया हो, यानी कि परमेश्वर ने जॉन 3:16 से सबसे बातें की। हालेलुया, तो पता किससे बात कर रहा है? पुत्र के द्वारा। पिता ने किसका नाम दिखाया अपने आपको? पुत्र के द्वारा। हालेलुया, और यीशु मसीह आगे कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, जो मेरे शब्द नहीं सुनती वो मेरी भेड़ें नहीं है। हालेलुया, जो यीशु मसीह के लोग हैं वो यीशुआ की बातें सुनते हैं, सुनते बोलो लिटरली सुनते हैं, उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। तो परमेश्वर किसके द्वारा बातें करता है? पुत्र के द्वारा। दूसरा हम लोग देखेंगे, परमेश्वर लॉर्ड स्पीक्स थ्रू हिज रिटन वर्ड। परमेश्वर अपने लिखे हुए वचन के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर किसके द्वारा बातें करता है? लिखे हुए वचन के द्वारा। किसके द्वारा बातें करता है? बाइबल के द्वारा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, जब रिटन वर्ड पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड तीमोथी 3:16 says कि परमेश्वर का जो भी सेकंड तीमोथी 3:16 प्लीज रीड। सेकंड तीमोथी 3:16 यानी कि परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है। हालेलुया, लॉर्ड हैज ब्रेथ हिज स्पिरिट इन द वर्ड। यानी कि जब सांस निकल जाती है तो इंसान क्या बन जाता है? मिट्टी का ढेर। हालेलुया, फाइनल सर। हालेलुया, यानी कि जो वचन परमेश्वर के द्वारा लिखा नहीं गया वो क्या? मिट्टी है। हालेलुया, जो वचन परमेश्वर ने बोला वो जीवित। हालेलुया, इससे जो दुनिया का ज्ञान है वो क्या है? मिट्टी है, यूजलेस है, पढ़ा छोड़ दिया। लेकिन जो वचन परमेश्वर का है, जो उसने फूंका है, वो लाइफ गिविंग है, वो आत्मा है, उसका जीवन है। इसीलिए वचन बोला गया है कि परमेश्वर का वचन हमको वार्निंग देता है, चेतावनी देता है। देता ही नहीं देता है? जब हम पढ़ते हैं वचन बोलता ना, परमेश्वर का वचन हमको इंकरेजमेंट देता है। देता ही नहीं देता? जब हम लोग निराश हो जाते हैं तो परमेश्वर वचन को इंकरेजमेंट देता है, बड़े निराश मत हो। और परमेश्वर का वचन हमको जिंदगी के पाठ पढ़ाता है, गिवन लेसन ऑफ लाइफ। हालेलुया, कैसे? इतने सारे परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के जीवन को जब पढ़ते हैं तो हमको क्या नई चीज सीखते हैं। हालेलुया, बाइबल इसलिए लिखी गई है, बाइबल बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए लिखी गई जो हमारे पुरखाओं ने, हमारे जो एंसेस्टर्स ने जो गलती करी है वो हम ना करें। हालेलुया, वचन जो होगा, जो आइडिया हमारे आएगा वो परमेश्वर के वचन से मिलना मांगता है। हमेशा परमेश्वर सही डायरेक्शन देगा, ये जो गलत गलत आइडिया आता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को वायलेट नहीं करता, अपने परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध नहीं जाता। सेकंड तिमोथी सेकंड चैप्टर 13 से कि परमेश्वर अपने वचनों से बना हुआ, परमेश्वर अपने वचनों से बना हुआ अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह के 40 के 8 लाइन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है घास को सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन यीशु का वचन हमेशा बना रहता है। मरकुस 13:31 में लिखा है कि धरती और आकाश टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। अय्यूब 26 Job 26:7 प्लीज रीड, दिस इज वेरी पावरफुल वर्स। रिबाल रमश खीरिया मसुंदर रमश हालेलुया, लॉर्ड सस्पेंड्स द अर्थ ओवर नथिंग। हालेलुया, ग्रेविटी जो है वो गुरुत्व है, जो ग्रेविटी है वो बहुत दिनों बाद खोज करी गई, लेकिन परमेश्वर ने धरती को पहले ऐसे लटका के रखा है। तब कोई ग्रेविटी को जानता था? सोलोमन बोलता है कि कोई भी ऐसी खोज नहीं है जो परमेश्वर ने पहले ना बना दी गई हो। हम लोग को बाद में पता चलता है परमेश्वर ने तो पहले ही हर चीज बना दी है, लेकिन हमको बाद में जब खोज करते हैं बोलते हैं अरे हमने खोज कर रहे हैं, लेकिन यहोवा ने तो पहले से बना रखी है। ग्रेविटी का लॉ तो बाद में आया, लेकिन परमेश्वर ने तो पहले ही ग्रेविटी से किसको टांग रखा है? पृथ्वी को, बाइबल में लिखा है, पुल से टांग रखा है उसको, अर्थ को ऐसे टांग रखा है। अभी देखेंगे कैसे टांग रखा है। हिब्रूस पढ़ेंगे, हिब्रूस 1:3 यानी कि
परमेश्वर अपने वचन से इस पृथ्वी को संभालता है, होल्ड करके रखता है, उसको हम ग्रेविटी नाम देते हैं। हालेलुया, आज की साइंस बोलते हैं ग्रेविटी, बट परमेश्वर अपने वचन से उसको टेक रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यानी कि पृथ्वी किसी पर टंगी नहीं है। किस पर टंगी है? परमेश्वर के वचन पर। और कोलोसियों के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि परमेश्वर यीशु में हर चीज बनाई गई है। हालेलुया, जो भी हमको दिखता है किसके द्वारा बची गई? यीशु के द्वारा। यानी कि परमेश्वर से बात कर रहा है, किसके वचन के द्वारा? उसका वचन सब कुछ टिका हुआ है, पृथ्वी उसके वचन से टिकी हुई है। हालेलुया, और उसी तरीके से मसीह जीवन भी किस पर टिका रहना चाहिए? हालेलुया, तो फिर हम लोग का भी जीवन किस पर टिका होना चाहिए? वचन पर। Our life must also suspend over nothing other than faith. हालेलुया, वचन पर हमारा टिका होना चाहिए। जैसे पृथ्वी टिकी हुई है बिना किसी उसके, वैसे हमारा जीवन भी किस पर टिका होना चाहिए? परमेश्वर के वचन पर, उसके सामर्थ्य पे। हालेलुया, परमेश्वर से बात कर रहा है। हालेलुया, कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन किस पर टंगे? फेथ पे, विश्वास। हालेलुया, वी सस्पेंस ओवर नथिंग अदर देन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर वचन से बात करता है, जीवित है। हालेलुया, अभी हम दो तरीके के वचन देखेंगे, एक लोगोस, एक है रेमा। लोगोस क्या है? लोगोस इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड, ये ग्रीक वर्ड है। लोगोस का मतलब होता है चिपका हुआ, स्टिक, चिपका हुआ, ये वचन है लोगोस, इसका मतलब है। और रेमा क्या है? लाइफ गिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। क्या होता दोनों में अंतर? इट इज रिटन, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, इट इज रिटन, मैन, इट इज रिटन मींस इट इज लोगोस, इट इज रिटन, जो लिखा हुआ है, जो चिपका हुआ है, क्या लोगोस? रिटन लिखा हुआ है, मैन शैल नॉट लिव बाय फेथ बट अलोन, बट एवरी वर्ड मतलब रेमा वर्ड, द वर्ड विच इज कमिंग फ्रॉम मी, दैट इज रेमा वर्ड। हालेलुया, यानी कि वर्ड हमसे बात करता है लेकिन इफेक्टिव होता है जहां उसको यूज करते हैं। That becomes life-giving word, living word, active word, sharper than sword, तलवार से भी तेज बन जाता है, वो becomes rhema। हालेलुया, यानी कि written word of God है, rhema is a life-giving word, living word of God। When we use the word of God, जब परमेश्वर का वचन यूज करते हैं तो हमको क्या लाइफ देता है, एक्टिव हो जाता है हमारे जीवन में, काम करना शुरू करता। इसलिए अगर वचन आप बाइबल में रख करके सो रहे हैं कोई फायदा नहीं, लेकिन जब वचन पढ़ते हैं और यूज करते हैं, दैट बिकम्स लिविंग एक्टिव वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने कहा है कि इंसान सिर्फ लिखे वचन से जीवित नहीं रहेगा, हर वचन जो सुनता है। इसलिए रोमियों के 10वें अध्याय की 17 वर्स में लिखा है कि द फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास कैसे आता है? लिखे वचन से नहीं आता, सुने वचन से आता है, रेमा। Faith comes by hearing, rhema, hearing word of God. परमेश्वर का जब वचन हम यूज करते हैं तब वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है हमारे। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिट हैं और बाइबल का जो वचन है वो स्पिरिट है। क्योंकि रेवलेशन 2 चैप्टर के 11 वर्स में लिखा है, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कौन बात कर रहा है? वचन। हालेलुया, परमेश्वर का वचन दो तरीके का है जो हमसे बातें करता है, क्योंकि हम स्पिरिट बीइंग है। और स्पिरिट स्पिरिट से कब बात करेगा? जब हम रेमा, लिविंग एक्टिव वर्ड ऑफ गॉड को यूज करेंगे। तभी देखा होगा आपने कि जब आपका अगर पैरामीटर ले लो, समझा आपका फेथ जो 1 किलोग्राम है, व्हेन यू केम टू द चर्च दैट वाज 1 किलोग्राम। हालेलुया, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल, बट व्हेन यू गो फ्रॉम द चर्च इट बिकम्स 5 kg। हालेलुया, 4 kg कहां से आया? दैट इज लिविंग एक्टिव वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, दैट इज। यानी कि जो बेरियन के क्रिश्चियंस थे, अभी तक यहां पे फिर रेमा और लोगोस आ गए, दे रिसीव द वर्ड, रिसीव द वर्ड मींस द वर्ड व्हिच इज कमिंग। रेमा जो एक चर्च में वचन बोला जा रहा है वो कौन सा है? रेमा, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड विद द रेडीनेस ऑफ माइंड एंड सर्च द स्क्रिप्चर। तो लोगोस, अरे वेटिंग माय पॉइंट, रेमा विच आई एम स्पीकिंग, विच द चर्च इज स्पीकिंग, है ना? और जो आप पढ़ रहे हैं वो लोगों, यानी कि दोनों को मिलाना चाहिए, दोनों कंट्ररी नहीं होना चाहिए। इसीलिए चर्च में
इसीलिए कई जगह गड़बड़ भी होती है, क्योंकि जो परमेश्वर के जो लोग हैं जो वचन देते हैं सब जगह नहीं कहीं कहीं, तो क्या होता है जो कंट्ररी होता है सुन के चले लेकिन वो बाइबल से मिलाते नहीं है। हालेलुया। तो क्या होता है वही सीख के चले आते हैं, वही सीख के बड़े होते हैं। दैट इज कल्ट, मैन मेड कल्ट। इसलिए जो भी वचन आता है उसको रेडीनेस से सुनना चाहिए, प्लस उसको मिलाना चाहिए द वर्ड विच इज कमिंग फ्रॉम द एनी पास्टर फ्रॉम द चर्च। इज इट इट इज अप्लीकेबल, इट इज रिटन द वर्ड ऑफ गॉड, वी मस्ट टेल इट। इसलिए दैनियल में क्रिश्चियन क्या करते थे, मिलाते थे। अपोस्टल जो बोल के चले जाते थे वो ऐसे नहीं सुन लेते थे, नहीं, उनके जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड था, जो लोगोस था, जो रेमा आता था, जो बोला जाता था, जो रेमा आता था, जो निगेटिव वर्ड था उसको लोगोस से मिलाते थे, और दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, कंट्ररी कभी नहीं होंगे। Spoken word and written word will never contradict each other. Hallelujah, are you getting what I'm saying? Hallelujah. क्या होता है कि मतलब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। अभी देखो हम लोग जब कभी बाइबल पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कभी भी क्या होता है, कभी कभी तुम से पावर आता है, ये दिस इज फॉर मी। हालेलुया। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, मैं बिदर में था और वहां पर मेरे बेटे का एडमिशन कराया था, तो वहां पर क्या था कि वहां पर एक स्कूल में हमने एडमिशन कराया, तो वहां पर ये इंश्योर किया था कि कन्नड़ नहीं आओ। हालेलुया, हालेलुया। रेमा गॉड बता रहा हूँ, बड़ी से पावर रेमा गॉड। तो उन्होंने बोला यहाँ पर कन्नड़ नहीं है, क्योंकि हमको कन्नड़ आती नहीं है, तो हमने एडमिशन करा दिया। लेकिन जब हमने फीस भरेंगे तो बुक उसमें कन्नड़ की बुक दे रहे, तो हमने व्हाट इज दिस, मेरे खानदान में किसी ने कन्नड़ नहीं पढ़ी और कन्नड़ की बुक दे, हमने बोला था कन्नड़ नहीं है, बोले नहीं हमने नहीं बोला था। तो मैंने कहा तो गलत है, दिस इज वायलेटिंग द रूल, जो आपने बोला वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। फिर हमने कही तो धोखा हुआ मैंने, क्योंकि वहां से टीसी कटा ली थी, अब यहाँ पर एडमिशन करा दिया, बड़ी दिक्कत आई। फिर मैंने कहा, हमने कहा चलो ठीक है रिक्वेस्टेड, लेकिन उन्होंने पैसे वापस नहीं किए मेरे, तो मैं कंज्यूमर फॉर्म गया, प्रेयर करी कंज्यूमर फॉर्म गया, कोई एडवोकेट हमने हायर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने वचन को पढ़ा, डेली प्रेयर करते थे। हालेलुया। और जब मैं हमारी फिर डेट पड़ती थी, आज तुम्हारी डेट है, फिर मैं बोलता था, फिर ओपोनेंट उसका एडवोकेट बोलता था, मैं बोलता था इन्होंने झूठ बोला जज के सामने। हालेलुया। तो बोलता था नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा हमने, कहा नहीं कहा। तो इस तरीके से नेक्स्ट डेट पड़ती, इसलिए तीन चार डेट पड़ी। लास्ट पहले डेट को क्या हुआ, परमेश्वर ने हमको एक वचन दिया, पढ़ो जरा यशाया 49:26, यशाया 49:26 कहा कि मैं उनको उनका ही जो तुम पर अंधेरे करते हैं मैं उनको उनका मांस खिलाऊंगा। हालेलुया। अब ये जो वर्ड मुझे मिला, जैसे ही जो मुझे ये वर्ड मिला, दिस इज लॉगोस रिटन वर्ड, लेकिन जैसे मुझे मिला मेरा रेमा होगा, इट इज लिविंग एक्टिव शार्पर, मुझे पता चल गया मेरी विक्ट्री है। हालेलुया। ये वर्ड पढ़ते मुझे, मैंने अपने जो केस था मैंने सोच लिया आई एम जस्ट नॉट विक्टोरियस, आई एम कॉन्करर। नेक्स्ट डे मुझे गया इस वचन को पकड़ करके, और जो अपोनेंट जो एडवोकेट था जिस जो स्कूल की तरफ से था वो अपनी ही बातों में फंस गया। हालेलुया। और जज जज को बहुत डाटा, बोला ये एयर वॉरियर्स है, ये हर स्टेट में घूमते हैं, हर स्टेट की भाषा थोड़ी पड़ेंगे, तुमने गलत क्यों किया, इनका सारा पैसा वापस करो। हालेलुया। और मेरा सारा पैसा वापस मिला। हालेलुया। यानी कि रेमा वर्ड इज रेमा, रेमा इज एक्टिव वर्ड फॉर सो योर सर्टन सिचुएशन। आप किसी गुजरती पोजिशन हो चाहे कैसी भी खराब हो, जब आप बाइबल पढ़ेंगे एक ऐसा रेमा वर्ड परमेश्वर तुमसे बातें करेगा, कम्युनिकेट करेगा, जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और तुम्हारे अंदर एक ऐसा पीस आएगा, सरपासिंग अंडरस्टैंडिंग, जो तुम्हारी सोच से बढ़ के आएगा, देन यू विल थिंक यस आमेन। हालेलुया। सभी कोरिंथियों 1:20 सेज ऑल प्रेयर टू क्राइस्ट जीसस इज यस एंड आमेन। हर प्रार्थना ईश्वर हर आमीन है, वो रेमा वर्ड जो आपके कंसोल करता है, जो आपको हील करता है। हालेलुया। क्योंकि लूक, डोंट ओपन द बाइबल, लूक फर्स्ट चैप्टर, प्लीज लिसन रेमा, प्लीज लिसन, लूक फर्स्ट चैप्टर 37 से जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रही नहीं होता, द वर्ड विच कम्स फ्रॉम द लॉर्ड इज इफेक्टिव, एमेन, दैट इज सुटेबल एंड सूदिंग एंड एक्यूरेट फॉर योर सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज रेमा वर्ड। हालेलुया। मे बी आई एम टेलिंग 1000 सेंटेंसेस, लेकिन एक सेंटेंस ऐसा होगा जो आपके लिए रेमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। नॉट 1000 सच सेंटेंसेस विल बी एक्यूरेट फॉर योर लाइफ, बट वन सेंटेंस इज अ रेमा वर्ड विल फॉर योर लाइफ। हालेलुया। सो द लॉर्ड कम्युनिकेट्स टू हिज वर्ड, परमेश्वर अपने वचनों से बात करता है। तो पहले बने से किससे बात करी उसने, अपने बेटे से,
यीशु से दूसरा परमेश्वर कैसे बात करता है? अपने वचन से। थर्ड है पवित्र आत्मा बात करता है। गॉड स्पीक्स थ्रू द इनर विटनेस ऑफ द होली गोस्ट थ्रू द थॉट दैट पॉप्स अप इन टू अवर माइंड। हम लोग पढ़ेंगे जॉन, हम लोग तीसरा चैप्टर क्या देख रहे हैं, तीसरा परमेश्वर किससे बात करता है? पवित्र आत्मा से। जॉन 14 चैप्टर 17 वर्स प्लीज। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है और पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। हालेलुया। तुम्हारे कान में फुसफुसा के बात करता है, तुम्हारे कान में फुसफुसा के बात करता है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। एक धीमस आवाज है। एल्या के बारे में बताइए, एल्या जिसका वर्णन फर्स्ट किंग 19 में है, एल्या सोच रहा था कि बहुत तेज धड़धड़ की आवाज आएगी, बहुत तेज आंधी आएगी, बहुत तेज भूडोल होगा, भूकंप आएगा, तब यहोवा का आवाज बड़ा सा सुनेगा, हे एल्या सुन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्या ऐसी ड्रामेटिक सोच रहा था। क्यों सोच रहा था ऐसा? क्योंकि एल्या 900 नबियों से लड़के आया था, ऊपर से आग गिराई थी यहोवा ने, तो सोच रहा था कि बहुत ड्रामेटिक होगा और कुछ धमाकेदार होगा और परमेश्वर से ऐसे बातें करेगा। लेकिन परमेश्वर अलग तरीके से बात करता। अच्छा एक बार बताओ, परमेश्वर ने 900 लोगों को मार दिया आग गिरा करके, उनमें से क्या किसी ने रिपेंट करा? नो, किसी ने रिपेंट किया? ये वर्णन है जब राजा अहाब और उसके सारे जो बाल के पुजारी थे और वहां एल्या खड़ा था और उससे बोला आओ भिड़ लेते, जो आग गिरा देगा और उसको भस्म कर देगा वो परमेश्वर सही है। बराबर है ये बात, है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, आग गिरी, उसमें से किसी ने ऐसा लिखा बाइबल में कि हाँ यहोवा ही परमेश्वर है, लेकिन किसी ने ऐसा रिपेंट किया क्या, मैं अपने पश्चाताप करता हूँ, यहोवा पीछे चलूंगा? नहीं। यानी कि मतलब क्या है, परमेश्वर हमेशा ड्रामेटिक वे में बात नहीं करता, परमेश्वर हमेशा स्मॉल स्टिल वॉइस, स्टिल स्मॉल वॉइस, धीमी सी आवाज है, जो जो ड्रम बनाने से शोर मचाने से हालेलुया होली स्पिरिट इस पूरे इलाके को घेर रखा है। नहीं, परमेश्वर का आवाज साइलेंस में है, धीमी से आवाज है। कहां लिखा है? फर्स्ट किंग 19 में, अल्लाह को धीमी से बजाए, हे अल्लाह हालेलुया। संदल को धीमी से बजाए, सैमुएल सैमुएल आई कि नहीं आई? परमेश्वर धीमे से बात करता है, क्योंकि क्यों धीमे से बात करता है? क्योंकि पवित्र आत्मा जेंटल है, शोर में नहीं होता, साइलेंस में होता है। हालेलुया। जब आप एकांत में होते हैं तब परमेश्वर का आवाज, दुनिया में धूल धड़ा में गिटार बजा बजा के तेजी में नहीं आता। हालेलुया। आता होगा किसी को, बट बाइबल में ऐसा तो नहीं। हालेलुया हालेलुया। अरे वेडिंग मैडम से परमेश्वर का आवाज धीमे से आता है, जो आपके अंदर से आता है, ऑडिबल भी इतने भी ऑडिबल है उसको, बट अंदर से आता है। तो क्यों अंदर से आता है? क्योंकि वी आर क्रिएटेड इन इमेज एंड लाइकनेस ऑफ जीसस, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता बनाए गए हैं। और गैलेशियंस 4 में लिखा है कि द मोमेंट वी बैप्टाइज, जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? क्राइस्ट स्पिरिट स्टार्ट्स लिविंग इन अस, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहना शुरू कर देता है। बोला था रोमन 8, हमारे अंदर क्राइस्ट का आत्मा रहता है। तो फिर कहां से, अंदर से आवाज आएगी बाहर से आएगा? हालेलुया। परमेश्वर कहां है तो आवाज कहां से आएगा? हालेलुया। अरे वेडिंग में इतना भी ऑडिबल है उसको, बट मैक्सिमम टाइम धीमी से आवाज आता है, आपके कान में आवाज आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे बात करता है? जो पवित्र आत्मा। हालेलुया। और वो जब बात करेगा वो आपको सोल्यूशन देगा, आपको बोलेगा बेटा ये काम मत कर, ये गलत है, ये डिसीजन मत ले, ये गलत है, ये मार्ग को चल, ये सही है, इसमें एडमिशन ले, ये सही है। हमको भागने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान में भागने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, गाइड करता है, सबको बताता है ये सही है, ये करो, और आपको एक असीम शांति आ जाएगी, समझो कि वो पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। चौथा, परमेश्वर कैसे बात करता है? नेचर के द्वारा। पहला पुत्र के द्वारा, दूसरा शास्त्र के द्वारा, स्क्रिप्चर के द्वारा, तीसरा होली स्पिरिट के द्वारा, चौथा नेचर। नेचर कैसे? हम लोग पढ़ेंगे साम 19 चैप्टर फर्स्ट वर्ड, भजन संहिता 19 का पहला अध्याय पढ़ेंगे। परमेश्वर द हेवन डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। कौन डिक्लेयर करता है? आकाश उसकी महिमा को बताता है। जब हम परमेश्वर के इतने बड़े क्रिएशन को देखते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर हमको उससे बातें करता है,
बताता है कि मैंने पृथ्वी को ऐसे टांग रखा है, सारे प्लेनेट्स को एक जगह रख रखा है, हर तारे को मैंने नाम दिया है, और वो उसके पास रिपोर्ट करते हैं आकर के। हालेलुया। नेचर के द्वारा आपने प्रोवर्स पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा जो एंट्स हैं, जो चीटियां हैं, आपने देखा होगा उनका कोई कमांडर होता है, होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, उनको देखा होगा समर सीजन में वो एक लाइन में चलती हैं गर्मी में और अपना खाना इकट्ठा करती हैं। हमें उससे क्या सीखते हैं? हमें ये सीखते हैं कि परमेश्वर इनके द्वारा बातें करता है। देखो इनका इन लोग काम करते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, ये डिसिप्लिन्ड है। अपने बनाए एक छोटी सी चीटी से सीखना पड़ता है, ये अपने स्टोर करते हैं, खाली पीली बैठे का फोकट में नहीं खाने। हालेलुया। इसे सीखो, यानी कि उसके बनाए चीजों से हम सीखते हैं। एक छोटा सा, इतना छोटा सा नन्ना सा जीव मेहनत करता है, खट्टा करता खाना, और परमेश्वर बताता है देखो चीटी से सीखो। लिखा है प्रोवर्ब्स में, लर्न फ्रॉम द हैंड्स। उनको ऐसे परमेश्वर हमको बताता सिखाता अपनी क्रिएशन से, सीखो बेटा देखो ये मैंने बनाया है। रिजरेक्शन पावर किसके अंदर है? पेड़ों के बारे में, पेड़ों को काटो देखो तो फिर से निकल आता, निकलता कि नहीं? रिससिकेशन, नॉट रिजरेक्शन, क्योंकि पेड़ मर जाते हैं। आप पेड़ के डालों काटो देखा हो आपने, फिर से आ जाती है, एक नेचर को दिखाता है, फिर से हील, फिर से आ जाता है, और विषय बताता है कि फिर से मैं जीवित कर सकता हूँ। हाउ वी आर लर्निंग थ्रू द क्रिएशन, थ्रू द नेचर। लेकिन वो यहाँ उल्टा हो गया, लोग क्रिएशन को पूछने लगे। हालेलुया। उस ट्रू गॉड को छोड़ करके उसकी बनाई चीज डर के उसको पाड़ा, उसको ही पूछने लगे। सो हाउ द लॉर्ड स्पीकिंग टू द नेचर, टू द क्रिएशन। हालेलुया। द लॉर्ड स्पीक्स थ्रू द बिलीवर्स। हालेलुया। कैसे बिलीवर से बात करता है? आपकी कोई ऐसी समस्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बिलीवर्स जो हमें आपको एक्यूरेट बता देते हैं बात, अभी तब हम उसके द्वारा बात करते हैं, हमेशा उनसे भी बात करवाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बार ऐसे हुआ, हमारे पास एक लोग आए और ऐसे मैं बात कर रहा था और मैंने एग्जैक्ट उनके बारे में बताया कि जो समस्या थी उनके बारे में बताया, और मैंने एग्जैक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम लेके बुलाया। हालेलुया। मुझे नहीं पता था बट मैंने एग्जैक्ट उनकी परेशानी के बारे में बताया, प्लस उस लेडी के जो जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं उसका मैंने नाम भी बताया। हालेलुया। सो हाउ इट कुड हैपन, कि कैसे हुआ? दोस्त के द्वारा। दोस्त के द्वारा क्यों? क्योंकि सारे दोस्त किसके इमेज बनाए गए हैं? परमेश्वर की इमेज स्वरूप समर्थता बनाए गए, तो परमेश्वर किसके द्वारा ही बात कर सकता है आपकी समस्या की? आपके बिलीवर्स फ्रेंड्स। अनबिलीवर आर नॉट टॉकिंग। हालेलुया। जो यीशु को मानते हैं, उसमें चलते हैं, उसके वचनों में रहते हैं, वो बिलीवर्स। हालेलुया। परमेश्वर आपके पेरेंट्स से भी बात कर सकता है, पेरेंट के द्वारा। हालेलुया। अरे बैठेंगे अपन, परमेश्वर तुम्हारे माता पिता के द्वारा भी बातें करता है गॉडली। हालेलुया। जब वो कभी कभी बातें बोलते हो परमेश्वर की ओर से होती है, सुनना चाहिए। परमेश्वर बेटे के द्वारा ही बातें करता है। हालेलुया। बिलीवर्स, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ हो, बेटे के द्वारा भी कोई ऐसी बातें बताए ना कि आपको लगे यस ये यहोवा की ओर से। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है इंसिडेंस कि डिविन ने कई चीज ऐसी बोली जो हम लोगों को लगा यस सही कहता है। अफर्मेशन होता है, कन्फर्मेशन होता है, अफर्मेशन एंड कन्फर्मेशन। कभी कभी कैसा होता है कि आप कुछ बोल रहे होते हो, वो एक ऐसी बात बोलेंगे जो रेमा बोल बनने लगा, ये सही होगा, ये सही है। हालेलुया। और आपके दोस्तों के द्वारा भी बोलेंगे। पहला किसके द्वारा बातें करी? यीशु के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा बातें करी? तीसरा किसके द्वारा बातें करी? तीसरा किसके द्वारा बातें? चौथा किसके द्वारा बातें करी? पांचवा किसके द्वारा बातें करी? हालेलुया। छठा, छठा परमेश्वर सर्कमस्टेंसेस के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। जो एक कभी कभी कैसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर पोजिशन ऐसी ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, ऐसी चीज सिचुएशन में जाते हैं कि परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बातें करता है। इसका वर्णन एक्सोडस में, जब मूसा इसराइल को निकालना चाह रहा था वहां से, लेकिन क्या फिरौन सुन नहीं रहा था, तो परमेश्वर ने क्या किया? प्लेग लाया, एक ऐसी कंडीशन लेके आया
जो उसको मजबूरी हुई और इसको अपने सारे इसराइलियों को छोड़ना पड़ा किसी ने, यानी कि एक सर्कमस्टेंसेस से बातें कराता है, यानी कि परमेश्वर दिखाता है कि मैं यहां पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। सारे इसराइलियों को ने देखा कि परमेश्वर ने खड़े खड़े उद्धार का काम किया, पायलोटा मार दिया, प्लेग लाया फिरौन के घर में। एक कंडीशन, एक सर्कमस्टेंसेस ऐसी आई जिससे उसको मजबूर होना पड़ा और सारे इसराइलियों को छोड़ना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर उस सर्कमस्टेंसेस के द्वारा बातें करता है कि उसने, यहोवा ने मूसा के द्वारा बोला कि अपनी इस स्टाफ को लो, इस लाठी को लो और समुद्र को दो भागों में बांटो। क्या वो यहोवा दिखा था कि तुम नहीं, लेकिन ऐसी कंडीशन बना दी थी कि उसकी उपस्थिति दिख रही थी। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी कभी एक सर्कमस्टेंसेस के द्वारा बातें करता है, मिरेकल के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे से भी मिरेकल के द्वारा बातें करी। हालेलुया। माय रिबर्थ इन क्राइस्ट इज द बर्थ ऑफ माय सन। परमेश्वर ने मुझसे कैसे बातें करी, मेरे बच्चे का जो जन्म था, मिरेकल था, उसके द्वारा मेरा रिबर्थ हुआ क्राइस्ट में। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर सर्कमस्टेंसेस में मिरेकल के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। कभी कभी आप देखते हैं कि मिरेकल हो जाता है, सरपासिंग द अंडरस्टैंडिंग, सरपासिंग ऑल द एविडेंसेस। जो मिरेकल मतलब क्या, जो चीज अननेचुरल हो, अनयूजुअल हो, वो होता मिरेकल। आप उसके योग्य भी नहीं, आप सोच सकते हो नहीं सकता, लेकिन हो जाता है। हालेलुया। दैट इज मिरेकल। परमेश्वर उसके द्वारा ही बातें कैसे, जब टेस्टिमनी देते हैं, देते नहीं टेस्टिमनी, गवाही देते हैं हम लोग, अरे ये हो गया, लग रहा था नहीं होगा लेकिन हो जाता है। तो परमेश्वर कैसे बात देखा था, थ्रू सर्कमस्टेंसेस परफॉर्मिंग मिरेकल्स इन आवर डे टू डे टास्क। हमसे म्यूजिक के द्वारा ही बातें करता है। 20 चैप्टर में लिखा है कि जब यहोशाफात सब तरफ से घिर चुका था, तीन तरफ की सेनाओं से घिर चुका था, तब उसने क्या किया, उसने प्रेज एंड वर्शिप कराई, उसने लड़ाई तैयारी नहीं करी, उसने क्या किया, प्रेज एंड वर्शिप की टीम तैयार कराई और आगे आगे किसको चलाया, सारे प्रेज एंड वर्शिप लीडर्स को, और सोल्जर्स पीछे थे। देखो वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं होगा, सोल्जर्स आर बिहाइंड एंड द प्रेज एंड वर्शिप लीडर्स आर फ्रंट साइड, ऑल लेवी एंड प्रीस्ट वर द फ्रंट फॉर टीयर्स एंड दे आर प्रोक्लेमिंग, परमेश्वर की करुणा अति महान है, गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्यूर्स फॉरएवर। हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय परमेश्वर का वचन उसके प्रॉफिट के द्वारा आता है, आता कि नहीं आता, यानी कि परमेश्वर म्यूजिक बोले तो वो रॉक म्यूजिक नहीं, हालेलुया, म्यूजिक बोले तो गॉडली म्यूजिक, व्हेन वी आर प्रेइंग वर्शिप इन द लॉर्ड दैट टाइम वी हैव अ रेवलेशन फ्रॉम हिम। जब हम हाथ उठाकर स्तुति आराधना करते हैं तो उस समय परमेश्वर से बातें कर सकते हैं उस दौरान। हालेलुया। और वो जो रेवलेशन था, जो परमेश्वर ने बातें करी, वो किसकी थी, विक्ट्री की बातें थी। तीन तरफ की सेनाओं से वो घिरा हुआ था और वो सेनाएं, एक सेना भी उसके सेना में भारी था, यानी कि एक आदमी पर 100 आदमी थे, एक सोल्जर्स पर, इसराइली के एक सोल्जर्स के ऊपर कितने सैनिक थे, 100 सैनिक थे, और यहोवा ने वहां पर विक्ट्री दिलाई, आपसी में लड़ रहे। हालेलुया। यानी कि हमारी कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, इससे वर्ष तो नहीं हो सकती जिंदगी में कि हम अकेले एक आदमी 100 आदमी से घिरा हो, लेकिन परमेश्वर की जब निंदा करते हैं उस म्यूजिक के द्वारा, उस गॉडली म्यूजिक के द्वारा परमेश्वर से बातें करता है। लॉर्ड कम्युनिकेट्स थ्रू हिज म्यूजिक। आम जगह पर दाऊद जब सारंगी बजाता था तो पवित्र आत्मा उतरता था और साउल की दुष्ट आत्मा भाग जाया करती थी, भागती थी कि नहीं भागती थी, गॉडली म्यूजिक। आपने आगे भी देखा होगा एलिशा भविष्यवक्ता जब उससे पूछने आते थे कई लोग, तो उससे बोला था वीणा बजाओ, लिखा है बाइबल में, तब उसको रेवलेशन आते थे। बहुत सारे से वर्णन है, यानी कि लॉर्ड स्पीक्स टू द म्यूजिक, गॉडली म्यूजिक, व्हेन यू प्रेज एंड एग्जाल्ट द नेम ऑफ द लॉर्ड दैट टाइम लॉर्ड आल्सो स्पीक्स। सर ये इतने तरीकों से नहीं, इन नंबर्स भी है, जब हम लोग ऐसा मान नहीं सकते इसी तरीके से। हालेलुया। लेट्स क्लोज आवर आईज।